नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना से मन प्रसन्न हो जाता है और साथ में सभी बुराई का नाश भी होता है। नवरात्रि के नवे दिन मां दुर्गा जी की नौवीं शक्ति यानी कि सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उनमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, इषित्व और वशिष्ठत्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों के ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी पूजा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का नियंत्रण प्रयत्न करें, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के साथ पूर्ण होती हुई भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। अब समय आ गया है नवरात्र के समापन का और अब मनाया जाएगा असत्य पर सत्य की जीत का त्यौहार यानी कि दशहरे। मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ नई कहानी नई स्टोरी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।